नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रोमा इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष रोजगार पर आधारित एक नई वीडियो के साथ। और आज की जानकारी खास करके किसान भाइयों के लिए है दोस्त, और जो भी छोटे किसान हैं जिनके पास कम भूमि है और कुछ बेहतर करना चाहते हैं, या तो जो बेरोजगार हैं या जिनका बजट कम है और कम बजट में वो अपना खुद का एक रोज़गार करना चाहते हैं, तो आज की जानकारी काफ़ी खास होने वाली है दोस्त। एक छोटी सी मशीन आपको बहुत सारा पैसा कमा करके देगी, तो कैसे देगी, क्या देगी, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिएगा दोस्त इस वीडियो के अंत तक, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रंजीत जी, पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आपका भी सर स्वागत है। नमस्कार, नमस्ते किसान भाइयों। आपने तो बताया कि ये मल्टीपर्पज काम करती है, आपने उसमें यह भी बताया था कि या गेहूं की खेती जुताई हो या सब्जी की खेती हो, सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इससे क्या कर सकते हैं हम, इसके विषय में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। सर इससे एक मशीन और 35-40 काम कर सकते हैं। बस केवल यहाँ पे और एक पुल्ली है, पीटीओ। अगर यहाँ से आप रीपर लगाकर धान गेहूँ जई वगैरह काट सकते हैं, हालर चक्की जनरेटर और पानी पंप सेट सब इससे आइटम पे चला सकते हैं। सर रंजीत जी, आपने बताया कि ठीक है कि इससे हालर चक्की या पानी का जो पंपिंग सेट है वो भी चला सकते हैं, तो उसका भी हॉर्स पावर होता है, तो किस हॉर्स पावर तक की ये सपोर्ट कर सकती है? ये सर 7.5 HP का इंजन है, इस पर आप 4 फीट का या 3 फीट का रिपर भी लगा सकते हैं, 3 इंच का, और यहाँ पे बोरिंग पंखी लगा सकते हैं और हालर चक्की भी छोटा चलेगा सर इस पर। आपने एक और बात बताया था सर कि इसमें धान की जुताई भी, धान के खेत की जुताई भी होती है, तो जनरली आप भी जानते हैं कि धान के खेत की जो जुताई होती है उसका गीला मिट्टी होता है और ये हल्की मशीन है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कीचड़ में ये धंस जाए? सर ये जो है पेट्रोल इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है आपकी, अगर एक बार अगर स्टार्ट हो जाती है तो बिना बंद किए हुए बंद नहीं हो पाती है, बंद कीजिएगा तभी बंद होगी। और इसमें क्या है, कीचड़ करने के लिए ये यहाँ पे आपको ये पटलर हुआ, पटलर है, और इससे क्या है कि आपको पिन निकालना है, यहाँ से जो है पिन निकाल दीजिए और पिन निकालिएगा, टायर पूरा सेट निकल जाएगी, और उसके बाद पटलर लगा दीजिए और आराम से जुताई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको चलते ही रहेगी जब आप चाहें। और धंसने का बात है तो हल्का इंजन है, जहाँ अगर धंस रही है ज़मीन में तो उसको थोड़ा सा आप उठा लेना है और साइड से आपको कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है चलाने में। रंजीत जी, तो अगर ये चक्के के जगह पर ये दोनों अगर लग जाते हैं तो इससे भी जुताई हो सकती है, और साथ ही इसके साथ जो अटैचमेंट लगेगा उससे भी जुताई हो सकती है, तो ट्रिपल जुताई होगी? जी सर, अगर इससे अगर का मतलब कि धान में कीचड़ करने के लिए वो पटलर है, और ऐसे आपको गेहूँ रोपाई करने के लिए ये है, अब वो ये फल आपको जो 32 ब्लेड है ये चलेगी अब गेहूँ जोताई के समय में सर। इसमें लोग कहते हैं किसान लोग कि ये चलेगा केवल में, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कितना भी हार्ड मिट्टी हो, हम खुद किसान हैं और 10 एकड़ खेती का सब्जी का भी खेती करते हैं, आकर जिनको अगर विश्वास ना हो आकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिट्टी बिहार में हर जगह एक जैसी, यार इंडिया में हर जगह एक जैसी नहीं होती है, कहीं बलुई है तो कहीं दोमट है तो कहीं काली है तो कहीं बिल्कुल ही किवाल मिट्टी है, क्योंकि बाहर काफ़ी चिमरा होता है, तो ऐसी स्थिति में उनका पूछना बिल्कुल ही जायज़ है कि क्या ये ट्रैक्टर वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगी या तो वहाँ सही तरीके से चल पाएगी, तो क्या यहाँ का जो अरवल ज़िले का यह जो मिट्टी है वो केवल मिट्टी है क्या? जी सर, यहाँ का जो मिट्टी है बलभीस भी है, सोन के देरा क्षेत्र में बलभीस भी है, और सोन से जो पूरब हो गया यहाँ केवाल भी है, केवाल इतना है कि कहाँ मत कहना नहीं है, और यहाँ पे जो है कैसा भी मिट्टी है वो गाड़ी चल रही है, और लोग जहाँ गाड़ी गई है वहाँ से किसान भाई बहुत खुश हैं, और वहाँ जहाँ गाड़ी गई है वहीं लोग देखकर एक्टिव होकर गाड़ी मेरे पास से ले जा भी रहे हैं। रंजीत जी, ये बताइए कि यहाँ पर हेडलाइट भी दिया हुआ है, ट्रैक्टर तो रात को भी काम करती है, तो क्या ये रात में इससे इसके द्वारा भी किया जा सकता है कोई काम क्या? जी सर, ये लाइट है तो इसमें आप जला दीजिए और रात में भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रात भी हो गई, गर्मी का मौसम है, धूप में किसान लोग नहीं काम करते हैं, तो शाम में अगर लेट भी हो गए तो इस लाइट जलाकर कर सकते हैं, यहाँ से भी लाइट जला के आप आ सकते हैं घर पे भी, और लाइट ये भी जला सकते हैं। एक घंटा में कितने बीघे की जुताई ये कर सकती है, अगर गेहूँ की बात करें और धान की बात करें तो? सर एक बीघा में आप कम से कम एक बीघा जोतने में आपको
ढाई घंटा लगेगा दो चार्ज करने में, लेकिन अगर जोतने वाला अगर एक्टिव लोग रहें तो दो घंटा में ही आप एक बीघा दो चार्ज कर सकते हैं। कितना भी हार्ड मिट्टी हो तो अगर एक बार जोतने के लिए पहला चार्ज करने के लिए थोड़ा सा मेहनत है और उसके बाद एकदम इजीली और सिंपल है, वो तो अपने आप गाड़ी चलती है। और गहराई जो है ट्रैक्टर नहीं जोतती है जितना इसका गहराई है जोतने के लिए। जो किसान लिए हुए हैं वो बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है ना रंजीत जी कि बहुत सारे लोग जिनके पास भूमि अगर नहीं है तो अगर ये ट्रैक्टर अपने घर पर लेकर आते हैं तो भाड़े पर भी चला करके दो पैसे कमा सकते हैं। इसमें अगर भाड़े पर चलाने के लिए है तो हर जगह ट्रैक्टर का जोताई 800 1000 1200 1600 बीघा चल रहा है, हर जगह जगह का ऊपर डिपेंड है। डीजल इतना महंगा होने के कारण और इसमें आपको एक बीघा खेत जोतने में मात्र 3 लीटर ही पेट्रोल जलती है और दो चार्ज करती है। तो दो चार्ज में हम यहाँ खुद यूज किए हुए हैं और खुद हम यहाँ देखे हुए हैं और लोगों से पूछे भी हैं, तो किसान भी लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ एक बीघा जोतने में मात्र 3 लीटर में ही जोताई हो जाती है दो चास। और जोताई ऐसा कि ट्रैक्टर आप उससे अगर 4-5 चास भी करवाइएगा तो नहीं कर पाएगी जो ये गाड़ी जोतती है, गहराई वैसा है। और इससे कमाने का बात है तो अगर मान के चलिए कोई लेबर लोग या कोई लेबर क्लास का लोग ले लेते हैं गाड़ी को तो इसका चलाने के लिए पर डे 1000-1500-2000 रुपये कमा सकते हैं कमाने वाला लोग, और कमा भी रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। वन डे में कितनी जुताई कर सकती है ये मशीन? सर एक गाड़ी अगर यहाँ हम दिए थे बगल में एक अरवल जिला में ही 52 बीघा गांव है, 13 दिन में 62 बीघा ज़मीन जोते थे वो, और केवल बैगन का ही एक गाड़ी या 3 ड्राइवर चला था, मतलब दिन भर ही गाड़ी चलते ही रहा था, समझ जाइए। और उसके बाद 13 दिन में पैसा वसूल किया था वो किसान, तो किसान मान के चलिए जोतने के ऊपर डिपेंड है, अगर जो जोतना चाहते हैं तो एक बीघा दिन भर में आप एक सिंगल आदमी 2 बीघा 2 चास कर सकते हैं आराम से। अब अगर नहीं तो दिन भर भी गाड़ी चलाइएगा लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे भी मित्र हैं, ऐसे भी किसान हैं जो इनके पास अच्छी खासी पूंजी है, तो वो अगर 2-3 ट्रैक्टर अगर अपने यहाँ ले जा लेते हैं तो और लेबर रख करके इस काम को करवाते हैं तो उससे भी तो बेनिफिट हो सकता है। जी सर, इसमें है कि आपको लेबर कॉस्टली नहीं पड़ेगा, बहुत खर्चा बहुत कम है, और लेबर ऐसे काम करने के लिए है कि खेत में अगर कुछ भी करना सोना अगर बाग बगीचा के लिए भी है तो हल भी जो है एडजस्टेबल है, जहाँ चाहिए जितना चाहिए छोटा कर सकते हैं, सब पिन सिस्टम है, जहाँ चाहिएगा खोल के सर निकाल सकते हैं। और किसान भाइयों के लिए जैसे हो गया मक्का और जैसे हो गया मान के चलिए टमाटर बैंगन भंटा मिर्चाई और करेला का सब्जी जो है अब अपना कोड़ने सोने के लिए निकोनी जो होता है उसको चला दीजिए, कोड़ा सोहा गया। अगर कोई लेबर रख करके इस काम को करे, एक ट्रैक्टर माने कि 2-3 हम कोई भी व्यक्ति हो 2-3 ट्रैक्टर ले ले इस तरह का और लेबर रख करके जुताई का ही काम करवाना शुरू कर दे तो एक लेबर पर कितना कॉस्ट आता है, कितने में एक लेबर आ जाता है? सर एक लेबर मान के चलिए आपको दिन भर में 350-400 रुपये तक लेता है, और कम से कम एक लेबर आपको 2 बीघा भी खेत जोतती है तो यहाँ 1600-1800 के दो चास करती है। अगर इसमें 300 तेल का मान लीजिए और 200-300 एक लेबर पर तो 1000-1200 रुपये एक बीघा पे आपको बेनिफिट मिलेगी। और इसके चलते ट्रैक्टर वाले भी हमसे नाखुश हो गए हैं कि यहाँ आकर ट्रैक्टर वाले बोल रहे हैं कि अब हम लोग को ट्रैक्टर जोताई के लिए बंद करा देगा, ऐसा गाड़ी ला दिया, और किसान लोग सब संतुष्ट हैं। रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को इस मशीन के संबंध में दिया। तो दोस्तों आपने सुना रंजीत जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस मशीन के बारे में आपको बताया कि क्या क्या ये कर सकती है और कैसे ये रोजगार परक मशीन है और मल्टीपर्पस मशीन है, बहुत सारे काम इस मशीन के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो दोस्त इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे और विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे तो इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।